गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बेटा आज आगे बढ़ेंगे हम। अपना नेक्स्ट जो रस है वो है रौद्र रस। किसी ने मुझे पूछा भी था, देखो बेटा ऐसे लिखते हैं ये, है ना, ये द दवास का द में र का रे, है ना, रौद्र रस। रौद्र मतलब क्रोध। रौद्र का स्थाई भाव क्या है? क्रोध। आपको क्रोध कब आता है? कब आता है? जब आपकी कोई बात ना मानी जा रही हो, आपको फ्रीडम ना दिया जा रहा हो, आपकी किसी ने कोई वस्तु रख ली हो, तब आपको क्या आने लगता है? क्रोध। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि रौद्र रस जो है वो किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, कैसे हम किसी काव्य पंक्ति में पहचानेंगे कि ये रौद्र रस है। शत्रु या किसी दुष्ट, दुष्ट मालूम है ना, कौन, अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण हृदय में उत्पन्न क्रोध नामक स्थायी भाव की अनुभूति को कौन सा रस बेटा? रौद्र रस कहते हैं। लिख लेना पूरा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है आपको, किसी शत्रु या किसी दुष्ट या किसी अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण हृदय में जब क्रोध की अनुभूति होती है तब कौन सा रस होता है बेटा? रौद्र रस। एग्जाम्पल देखिए हम, आप जरा इसे पहचान के देखना। तो अतिचित बोले वचन कठोरा, अति रिस मतलब होता है बेटा गुस्सा, अति यानी अत्यधिक गुस्सा, बोले वचन, वचन मतलब वचन, कठोरा, कठोरा मतलब कठोर, कछु जड़ जनक कहू, सॉरी है ना, कहू जड़ जनक, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा, धनुष के ही तोरा, तोरा मतलब तोड़ना, कोई अत्यधिक गुस्से में बोलकर कठोर वचन में बोल रहा है कि जनक का यह धनुष किसने तोड़ा? बेगी, बेगी मतलब होता है शीघ्र या जल्दी, दिखाओ मुझे, जल्दी दिखाओ, मूल तन आजू, अभी मैं उसके शरीर को तोड़ता हूँ जिसने क्या तोड़ा है? धनुष। उल्टा मही जऊ लगी तव राजू। देखिए इस काव्य पंक्ति को पढ़ के देखिए, अतिरिक्त बोले कठन वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा, देखी देखाओ मूढ़ तन आजू, उल्टाओ मही तव लगी तव राजू। मतलब यहाँ पे वे कोई है जो बहुत ही गुस्से में आकर कठोर वचन के रूप में बोल रहे हैं कि मुझे बताओ
कि जनक का जो धनुष है वो किसने तोड़ा, मुझे शीघ्र बताओ, मैं अभी उसका शरीर तोड़ दूंगा, उसको मैं उल्टा लटका दूंगा। तो इस प्रकार के जो वचन हैं इसमें किसकी अनुभूति हो रही है बेटा आपको? क्रोध की अनुभूति हो रही है, गुस्सा आ रहा है, क्लियर है, पहचान लोगे आप। अब एक उदाहरण और लिख लिया आपने, इसे लिख लेना बेटा, है ना, डेफिनेशन भी बना लेना, ठीक है। चलिए एक और आप उसको भी समझ के देखना, क्या इसमें भी आपको पता चल रहा है या नहीं। श्री कृष्ण के सुनवचन, श्री कृष्ण के सुनवचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक, शोक मतलब दुख, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, मलने लगे। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? करतल युगल, युगल मतलब होता है दोनों, करतल मतलब होता है ये हाथ, है ना, ये जब किसी को गुस्सा आता है तो किसी किसी के भीतर आपने देखे होंगे ऐसे करने की एक प्रतिक्रिया करते हैं, यानी गुस्से में मैं क्या करूंगा, तुझे मैं मार डालूंगा, ठीक है, इसी को कहते हैं दोनों हथेलियों को रगड़ना, युगल यानी दोनों, करतल मतलब हथेलियों को रगड़ना, ये मलना, है ना। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन को क्रोध से जलने लगे, इस शब्द से ही आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ कौन सा रस है, रौद्र रस, ठीक है। अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर, उनको जो भी दुख था सब भूल गए और गुस्से में आकर हथेलियां मलने लगे कि मैं तुझे देख लूंगा, ठीक, समझ आ गया, रौद्र रस समझ आ गया आपको, किस प्रकार की काव्य पंक्तियों में होता है, पहचान लोगे ना आप, आगे बढ़ जाएं आप। चलिए अगला रस, भयानक रस, भयानक का स्थाई भाव क्या पढ़े थे याद कीजिए, भयानक क्या था बेटा, इसका स्थाई भाव भय, भय का मीनिंग क्या होता है बेटा, डर, ठीक है। किसी भयानक वस्तु प्राणी, किसी भयानक वस्तु, कोई वस्तु भी हो सकती है, प्राणी भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई दृश्य भी हो सकता है, कोई भयानक दृश्य हो सकता है ना, आदि के कारण उत्पन्न होने वाले, उत्पन्न होने वाले भय, ठीक, नामक स्थाई भाव का, भय नामक स्थाई भाव की अनुभूति को, है ना, नामक स्थाई भाव की अनुभूति को देख लेना बेटा एक बार और क्लियर कर लेना, है ना, लगभग तो सेम है, भाव की अनुभूति को कौन सा रस कहते हैं बेटा, लिख लेना, है ना, भयानक रस कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम ऐसी कोई काव्य पंक्ति पढ़ेंगे जिसमें किसी वस्तु से डर रहे हो हम, या किसी जानवर से, किसी इंसान से हमें डर लग रहा हो, या ऐसा कोई वहाँ दृश्य उपस्थित हो गया हो जिसके कारण हमें डर लगने लगा हो, डर के मारे हम, हमें घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, ठीक। देखें उदाहरण,
उदाहरण देखो बेटा, उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु लहरिया, सिंधु मीनिंग बेटा समुद्र, समुद्र की लहरें कैसी देखो, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फेन मतलब बेटा फैस, समुद्र की लहरें देखियो ना कैसी फैस उगलती हुई आती है, कैसा लगता है फन फैलाए, ऐसा लगता है कि वो फन फैलाए ब्यालों की, ब्याल मतलब सर सांप। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, यानी समुद्र के विकराल रूप का यहाँ पर वर्णन है, जो उसकी लहरें ना फैंस उगलती हुई और जैसे उसमें लहर ऐसे जोर से ऊपर से ऐसी झपटती है, ऐसा लगता है कि कोई सांप जो है फन फैलाए हुए हमारी ओर हमें डसने के लिए आ रहा है। ठीक है, ये एक क्या है भयानक सा दृश्य जो है उपस्थित करती है। ठीक, एक वाला उदाहरण आपने पढ़े होंगे ना बेटा, एक और अजगर लखी एक और मृगराय, पढ़े हो, मैं लिखा दे रही हूँ है ना, लिख लिए इसे आपने। चलिए, ये पहला उदाहरण हो गया अपना। दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक और अजगरी लखी मतलब देखना, एक और मैंने अजगर देखा, एक और मृगराज शेर, एक और अजगर था, जैसे कहते हैं ना आगे कुआ पीछे खाई, बिल्कुल ऐसी विकल बटोही किसको कहते हैं, बटोही रास्ता चलने वाला, बीच में परियो मुर्छा खाए, यानी एक राहगीर है जो रास्ता चल रहा था और रास्ते में ही उसने देखा, रास्ता बेचारा चल ही रहा है और देखा सामने अजगर है, अब वो डर के मारे उसने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपने रास्ते से वापस चले जाऊं, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है तो उसके पीछे सिंह शेर खड़ा रहता है, तो ऐसी विकल हो चुका है वो अपने रास्ते पर कि उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, और अचानक से वह मूर्छित हो गया और रास्ते पर गिर गया, तो डर के मारे जो है वह मूर्छित हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण देखें हम, नभते झपटत बाज लखी, नभ यानी आकाश, नभ से झंडे का बेटा, झपटत बाज लखी, बाज मालूम है ना बाज कौन है, लखी मतलब देखना, भूलियो सकल प्रपंच, सकल मतलब बेटा संपूर्ण, प्रपंच मतलब मायाजाल, कंपित तन व्याकुल नयन, उसका जो शरीर है वो कंपन कर रहा था, व्याकुल मन, और उसका मन कैसा हो रहा था, व्याकुल, लावक हिलियो न रंज, लावक एक पक्षी है, ठीक है, जैसे ही लावक पक्षी ने बाज को देखा, नभते झपटत बाज लखी, यानी ये आकाश से झपटते हुए नीचे आ रहा था, लावक पक्षी ने देखा तो
तो भूलियो सकल प्रपंच, लावक जो है बहुत चतुर माना जाता है, तो ये सारे प्रपंच भूल गया, इसका शरीर जो है वो कंपित होने लगा, मन जो है व्याकुल होने लगा और अपने स्थान से तत से मत नहीं हो रहा था, मतलब बिल्कुल भी रंच, मतलब जरा भी वह हिल नहीं रहा था, डर के मारे बिल्कुल शून्य सा बैठा हुआ था। क्लियर है, बन जाएंगे अब। बना लोगे ना, पहचान लोगे ना बेटा, कोशिश करते रहना है ना। नेक्स्ट चले, विभत्स रस। विभत्स, विभत्स उसका स्थाई भाव क्या है, क्या है बेटा? घृणा। घृणा कब होती है बताओ, चलो आपको घृणा कब होती है? आप रास्ते से जा रहे हो और आपका पैर गोबर में चला जाए, आप क्या बोलोगे? छी बोलोगे, मतलब क्या हुई? घृणा। रास्ते से जा रहे हो, आप बाजू में देखे आपने कोई जानवर मरा पड़ा है, उसे जो कौवे हैं चील है वो नोच रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? छी, और आँख नाक मुंह बंद करके वहां से निकल जाओगे। ठीक, यही कहलाता है घृणा। क्लियर है, घृणित वस्तु, घृणित वस्तु, वस्तु प्राणी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गंदी, सॉरी गंदा दृश्य, गंदा दृश्य आदि। को देखने अथवा, को देखने अथवा अनुभव मात्र से, अनुभव मात्र से। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम खाना खाते रहते हैं और हमको अचानक से याद आ जाता है कि रास्ते में तो हमने एक मरा सा जानवर देखे थे और हमारा बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं होता, होता है ना ऐसा, वो क्या होता है? अनुभव। ठीक है, अनुभव मात्र से हृदय में उत्पन्न, अनुभव मात्र से कर लेना बेटा, इसे से हृदय में उत्पन्न, हृदय में उत्पन्न घृणा, जुगुप्सा, जुगुप्सा। ठीक है, इसी को क्या कहा गया है? घृणा। लिख लिए, नामक जुगुप्सा, नामक स्थाई भाव की अनुभूति को, नामक स्थाई भाव की अनुभूति को, कौन सा रस? विभत्स रस कहते हैं। लिख लेना आप, ठीक है। उदाहरण देखें, सिर पर बैठी उकाब, ये भी आपका पढ़ा हुआ होगा बेटा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे, है ना। सिर पर बैठियो काग, काग मतलब बेटा कौवा, और देखो सिर पर बैठ के वो क्या कर रहा है? आंख दो खात निकारत, खात निकारत। कोई कौवा किसी मरे हुए जानवर के सिर पर बैठा है और अपनी चोंच से उसकी दोनों आंखों को निकाल रहा है और खा रहा है, खींचत खींच रहा है, खींचत जी भही त्यार। वो मरा हुआ जानवर को उन्हें बेटा त्यार, तो और आगे क्या कर रहा है? यानी दोनों आंख उसकी निकाल रहा है, खा रहा है और उस मरे हुए त्यार की जीभ को खींच रहा है, और अति ही आनंद उर्धारण, ये उर यानी होता है हृदय, हाँ धारण,
और उसे ऐसा करने में बड़ा ही उसके हृदय में उर्यन हृदय में आनंद की प्राप्ति हो रही है। बात समझ आई? हमें तो घिन आ रही है इसको सुनकर, है ना, एक कल्पना भी होने लगी अब तो हमें तो इस, हमें तो घिन आ रही है, लेकिन उस कौवे को बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। क्लियर है? इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए। घर में लाशें, बाहर लाशें, लिखते जाओ। घर में लाशें, बाहर लाशें। लाश को देखकर भी आता है कि नहीं मन में अजीब सा, ठीक है? घर में लाशें, बाहर लाशें, सोचो भला क्या स्थिति होगी। घर के भीतर गए आप, घर के अंदर भी लाश ही लाश पड़ी है, बाहर निकले तो बाहर भी लाश ही लाश पड़ी है। जनपथ पर सड़ती है, जनपथ पर सड़ती है, यानी रास्ते पर सड़ रही है। घर के बाहर अंदर सब जगह लाश ही लाश है। आगे आंखें नशंस, यह दृश्य देख, यह दृश्य देख मुंद जाती है घुटनी सांसें, मुंद जाती है घुटनी सांसें। मीनिंग, जिसके भीतर दया का भाव समाप्त हो गया है, ठीक है? अब हम घर में गए, घर के भीतर लाश ही लाश, बाहर निकले लाश ही लाश, सब सड़ रही है, बदबू मार रही है, कैसा लगेगा? फीलिंग करके देखो, ठीक है? यह सब दृश्य देखकर हमारी जो सांसें हैं वो भी कैसी होने लगती है? घुटने लगती हैं, दम निकलने लगता है। हो गया, बन जाएगा ना? चलिए नेक्स्ट। समझ आ रहा है ना बेटा? मैं बहुत इजी वे में समझा रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले जा रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसा पढ़ा रही हूँ कि आप उसे समझ सकें, है ना? किसी भी काव्य पंक्ति को देखकर आप अंदाजा लगा सकें कि इसमें कौन सा रस है। इसके बाद तो पढ़ाते पढ़ाते तो मैं बहुत सारी ट्रिक आपको दूंगी ही बेटा, है ना? चलिए अब देखते हैं हम अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब क्या था बेटा? आश्चर्य, ठीक है? किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर, किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर या अनुभव से हृदय में उत्पन्न या अनुभव मात्र से हृदय में उत्पन्न अद्भुत आश्चर्य, उत्पन्न आश्चर्य नामक स्थायी भाव की अनुभूति, स्थायी भाव की अनुभूति। कौन सा रस? अद्भुत रस कहलाती है। अद्भुत मतलब आश्चर्य, यानी आप किसी भी चीज को देखोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अचंबा होगा, है ये कैसे हो गया, ठीक है? कैसे बोलोगे आप? अरे ये कैसे हो गया? बस यही क्या कहलाता है? अद्भुत रस। देखें उदाहरण,
ऐसा देखा जल में लग गई आग, जल में लग गई आग, मछलियां चढ़ गई पेड़ पर, भवरे खेले फाग। देखो आश्चर्य की बात है, एक अचंभा ऐसा देखा, इसी शब्द से आपको पता चल रहा है। तो जल में लग गई आग, अरे जल में कभी आग लगती है क्या? मछलियां चढ़ गई पेड़ पर, मछलियां कभी चढ़ती है क्या पेड़ पर? भौरे खेले फाग, फाग याने बेटा होली, ऐसा कभी होता है? नहीं होता। समझ आया? ये उलट बासी कहलाती है बेटा, उलट बासी। ये कबीरदास जी ही लिखते हैं ऐसा, उनका जो अर्थ है वो कुछ और होता है। ये सांसारिक इनके अर्थ होते हैं, लेकिन हमें ऐसा देखने से ये ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है ये सांसारिक जीवन से जुड़ा होता है। समझ आ गया? ठीक है, लिख लिया आपने। एक अचंभा ऐसा देखा जल में लग गई आग, मछलियां चढ़ गई पेड़ पर, भौरे खेले फाग। क्लियर है? एक और देखो, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले, एक ही लाइन लिख रही हूँ, इसी लाइन से इसका अर्थ समझ आ जाएगा। सुनी बिनु काना, बिनु काना, क्या कह रहे हैं हम? बिनु पग चले यानी बिना पैर से चल रहा है भाई, सुनी बिनु काना और बिना कान से सुन रहा है, ऐसा कहता आश्चर्य है भाई। ठीक है, ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? समझ आ गया? कहाँ पर होगा अद्भुत रस? बहुत ही आश्चर्य वाली चीजें होगी। ठीक, इसमें अद्भुत में क्या होता है बेटा, कई ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं, जैसे विस्मय, विस्मय मतलब भी होता है आश्चर्य। उन काव्य पंक्तियों में ही खुद ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं जिससे अपने को पता चल जाता है कि ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। ठीक है, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, एक ही लाइन में है इसमें। देखो क्या बोल रहा है वो, आनन रहित सकल रस भोगी। आनन यानी क्या होता है? मुख, रहित उसका मुख ही नहीं है, और क्या कह रहे हैं वो? सकल रस भोगी, सकल मतलब संपूर्ण आनंद भोग रहा है, उसका मुख ही नहीं है और वो हर चीज का, हर मिठाइयों का, हर फलों का आनंद भोग रहा है, जो कि संभव है कि बेटा? नहीं है। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, कौन सा बच गया? शांत, बाकी कल देखेंगे क्या बेटा? तीन रस बचे हैं जहां तक, है ना? शांत रस बचा, हास्य रस बचा और वात्सल्य बचा। ठीक, नेक्स्ट मतलब मंडे के दिन देखेंगे। ठीक है, चलो, ओके बेटा, थैंक यू। बना लेना आप लोग इसे।